1 मई से 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को निशुल्क होने वाले कोविड टीकाकरण के लिए 24 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 24 अप्रैल से 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिक covid.in की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद 1 मई से जनपद में जिला अस्पताल सहित सभी केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस टीकाकरण अभियान में जो लोग टीकाकरण नहीं करा पाए हैं या छूट गए हैं, वह लोग भी 1 मई से रजिस्ट्रेशन कराकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, 1 तारीख से 18 साल तक लोगों को वैक्सीन किया जा जाएगा, जिसके लिए कल से रजिस्ट्रेशन किया, उन लोगों की वेबसाइट पे जाना होगा रजिस्ट्रेशन करने। वेबसाइट अभी वही है वेबसाइट जो पुरानी वेबसाइट थी, कोविन .gov.in है, और आप हम आरोग्य सेतु से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो साइट सेम है, उस पर हमने रजिस्ट्रेशन करवाना है। और 1 मई से जो है 18 साल के ऊपर सभी लोगों का वैक्सीनेशन होना है, तो इसकी तैयारियाँ चल रही हैं, हम तैयार हैं, और इसके इससे साथ साथ वैक्सीन आ जाएगी तो हम सबको लगाना शुरू कर देंगे। सर, ये 18 साल 45 साल के अंदर के रहेंगे लोग जो कराएंगे? हाँ, 18 साल से लेकर के ऊपर तक जब जितने भी सब, अब तो सारी पब्लिक को छोड़ दिया गया है, इवन अभी 60 साल के ऊपर के लोग बचे होंगे तो सभी लोग कराएंगे वैक्सीनेशन। जो लोग छूट गए सर 60 साल से ऊपर वो चलते रहेंगे, उनका वैक्सीनेशन भी चलता रहेगा साथ साथ। इसमें बहुत सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स भी होंगे, जो स्वास्थ्य कर्मी भी होंगे जो छूट गए थे पिछली बार, वो भी अब इसका फ़ायदा उठाएंगे और सभी लोग अपनी वैक्सीनेशन कराएंगे।